नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि BMR मसल शरीर में मांसपेशी बढ़ने से BMR बढ़ती कैसे और कम कैसे होती है। BMR क्या होती है पहले बता चुका हूँ, पीछे जाके देख सकते हो। बेसल मेटाबॉलिक रेट, देखो पहले हमने कुछ वीडियो बनाए थे कि BMR क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है और वो कैसे निकाली जाती है, फैट परसेंटेज क्या होती है और वो कैसे निकाली जाती है। अभी वो सब कुछ यहाँ पे काम आएगा। तुमने अगर नहीं पता BMR क्या होती है, फैट परसेंटेज क्या होती है और कैसे निकाले जाते हैं, तो मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके सर्च कर लो। अगर मेरे पुराने वीडियोज़ में नहीं सर्च करते तो जो भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वो सुशांत कोचर के साथ में वो चीज़ लिख करके यूट्यूब पे सर्च कर लो, सुशांत कोचर फैट परसेंटेज, सुशांत कोचर BMR ऐसे सर्च कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा। स्टर्लिंग पासमोर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी BMR निकालने के लिए काम आती है, जिसमें होता है कि आपकी BMR है 13.8 इंटू आपका लीन मसल मास। लीन मसल मास का ये भी बताया जा चुका है, पहले देख सकते हो। मान लीजिए एक आदमी है जिसका वजन 80 किलो है, फैट परसेंटेज उसकी हमने मान ली 15 किलो है। सब हमने माना है, हम कुछ भी और भी मान सकते हैं, उदाहरण के लिए माना है। क्योंकि एक जन ने मेरे से कमेंट में पूछा कि यही क्यों माना, 100 किलो का ही क्यों माना, पहले मैंने कभी 100 किलो का मान लिया होगा। मैं तो इसलिए मान लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, 100 में से 20 गया 80 समझने में आसानी है, 65 में से 13 गया 52 समझने में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे उदाहरण लेता हूँ। मान 80 किलो का आदमी 15% फैट परसेंटेज है, तो 15% अगर इसमें से फैट है तो 80 का 15% हो गया 12, तो 12 किलो इस आदमी के शरीर में फैट है। अब इस 12 किलो फैट को हटा दो तो जो बचेगा शरीर में वो हो जाएगा लीन मसल मास। 80 में से 12 गया 68 किलो लीन मसल मास है, 68 किलो अगर लीन मसल मास है तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो BMR आ जाएगी हमारे पास में 13.8। यहाँ पे लीन मसल मास जो है ये पाउंड में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाउंड, इस फॉर्मूले में जो है लीन मसल मास पाउंड में हमारे पास में 68 किलो में, 1 किलो में 2.2 पाउंड होते हैं, तो BMR आएगी हमारे पास में 13.8 गुणा 68 गुणा 2.2, क्योंकि किलो से हमने पाउंड बना लिया ना, 68 किलो को 2.2 से गुणा किया तो पाउंड बन गया, कुल मिला के BMR आएगी 2064 कैलोरी। अब मान लेते हैं यही आदमी जो 80 किलो का था, ये वजन बढ़ाता है, कसरत करता है और खाना सही खाता है और इसका वजन बढ़ता है, कुछ मसल बढ़ती है, कुछ चर्बी बढ़ती है, ठीक है, कुछ मांसपेशियां बढ़ती है शरीर में, कुछ चर्बी बढ़ती है, और अब इसका नया वजन हो गया 95 किलो और इसकी नई बॉडी फैट परसेंटेज होगी 20%। ये हमने कैसे नापी, पुराने वीडियो में देख लो कि कैसे नापते हैं। इसकी नई बॉडी फैट परसेंटेज ने नापी, इसकी आई 20%। वजन इसको इसके वजन जिस मशीन में नापते उसमें देखा 95 किलो गया, तो 95 किलो का 20% हो गया 9.5 जोड़ दो तुम 19 किलो। 19 किलो इसके शरीर में अब चर्बी है। अब 19 किलो के अलावा जो बचा 76 किलो, 95 से 19 गया 76 किलो जो बचा ये इसके शरीर में लीन मसल मास है, ठीक है। पहले इसके शरीर में 68 किलो लीन मसल मास था, वजन बढ़ाया तो इसके शरीर में 76 किलो लीन मसल मास है, मतलब 8 किलो इसने मसल बढ़ा ली शरीर में। पहले इसके शरीर में 12 किलो चर्बी थी, अब इसके शरीर में 19 किलो चर्बी, मतलब इसने 7 किलो चर्बी बढ़ा ली, 8 किलो मसल बढ़ गई 7 किलो चर्बी बढ़ गई, ठीक है। तो इसकी नई BMR कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले को रख देंगे 13.8 इंटू लीन मसल मास इन पाउंड, 76 किलो इंटू 2.2 कर देंगे तो पाउंड आ जाएगा, इससे हम निकालेंगे तो इसकी नई BMR आ जाएगी 2307। BMR पहले इसकी थी 2064 जब ये 68 किलो लीन मसल मास था, अब 2307 BMR में कितना फर्क आया, दोनों में 243 कैलोरी इसकी BMR बढ़ गई, 8 किलो मसल बढ़ी इसके शरीर में, 243 कैलोरी BMR बढ़ गई, तो 1 किलो मसल बढ़ती तो कितनी BMR बढ़ती इसकी 30.36, ठीक है। इसको सीधे सीधे तरीके से समझो कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि 13.8 गुणा लीन मसल मास इन किलो इंटू 2.2। यहाँ पे था 13.8 गुणा लीन मसल मास इन पाउंड, पाउंड को किलो में करोगे तो 2.2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2.2 हमने यहाँ पे कर दिया। ये क्या बन जाता है, ये 13.8 को गुणा करोगे 2.2 से तो आ जाएगा 30.36 गुणा लीन मसल मास इन किलो। इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम, अब यहाँ पे मान लो लीन मसल मास इसका 50 था, 50 से 51 करोगे तो 30.36 का फर्क आएगा, फिर 52 करोगे तो 30.36 का और फर्क आएगा। तो 1 किलो मसल अगर किसी के शरीर में बढ़ रही है सॉरी 1 किलो मसल अगर किसी के शरीर में बढ़ रही है
तो उसकी बीएमआर 30.36 बढ़ेगी स्टर्लिंग पासमोर इक्वेशन के हिसाब से। और ये ठीक है, मतलब मतलब ये काफ़ी हद तक ठीक है, तो आप इससे नाप सकते हो। मैं भी इसी को ही काम लेता हूँ नापने के लिए, अपनी भी और क्लाइंट की भी। तो 30 क्लाइंट का हम फैट परसेंटेज, अगर क्लाइंट को नापनी नहीं आती तो हम उसकी फैट परसेंटेज का एक अंदाज़ा लगा लेते हैं अपने, हमें अनुभव होता है उस हिसाब से। तो अगर 1 किलो आपकी मसल बढ़ती है शरीर में तो आपकी 30.36 बीएमआर बढ़ जाएगी। और वही अगर 1 किलो मसल आपका आपके शरीर से कम होती है, मसल लॉस हो जाता है आपका, तो आपकी जो बीएमआर थी उसमें से 30.36 कम हो जाएगी। मान लो 1500 आपकी बीएमआर थी, आपने 1 किलो मसल बढ़ाई जिम जाके कसरत करके मान लो, तो आपकी बीएमआर हो जाएगी 1530.36। और अगर आपने 1 किलो मसल कम कर ली तो 1500 में से 30.36 घटा दो तो जो आएगा वो आपकी नई बीएमआर हो जाएगी। यही बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।